दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन जो कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी वजनी सीलिंग फैन है, यानी हैवी वेट में ये सीलिंग फैन है। तो ये अभी देखेंगे कौन सी कंपनी का है, उससे पहले हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा फ़ैन है और इसके मुकाबले जो आजकल के न्यू फ़ैन है वो कितने छोटे फ़ैन हैं। तो देखिए ये नए मॉडल का सीलिंग फ़ैन है और इसके मुकाबले पर ये कितना छोटा फ़ैन है। तो यहाँ आप भी देख सकते हैं कि ये देखने में इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और भारी भी है, और जबकि उसके मुकाबले पर वो बहुत ही छोटा और हल्का फ़ैन है। तो अब इनकी जगह इन हल्के फ़ैन ने ही ले लिए, जबकि ये पहले वाले फ़ैन इतने ही बड़े आते थे और हैवी बॉडी में ये आते थे, यानी जब एक बार ये स्टार्ट किए जाते थे तो ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ते थे, जबकि ये न्यू मॉडल के जो सीलिंग फ़ैन है ये स्विच ऑन करने के तुरंत बाद ही स्पीड पकड़ लेते हैं। तो ये देखिए इसको पास से देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये SEC के नाम से ये फ़ैन दिखाई दे रहा है, यानी ये SEC कंपनी का सीलिंग फ़ैन है जो कि पुराने मॉडल में है। और इसके जो वाट यहाँ पर लिखे हुए हैं ये देखिए, यहाँ से 65 वाट से ये 72 वाट तक बिजली खर्च करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और ये 65 से 72 वाट का जो टाइम होता है ये 1 घंटे में इसकी जो बिजली की खपत है वो ये दिखाई गई है, यानी 1 घंटे में 65 से 72 वाट ये बिजली को कंज्यूम करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 24 स्लॉट का स्टेटर है और इसके सभी कॉइल को मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया है और यहाँ इसको क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो मोटाई है वो, यानी इसका जो कोर का थिकनेस है या मोटाई है वो 15 mm, इसको मैंने नाप कर चेक किया है। तो अब हम इसमें 35 नंबर को यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसकी जो कोर है वो मोटी है, तो यहाँ हमें 35 नंबर वायर को यूज़ करना है। अगर हम इसमें 36 नंबर वायर यूज़ करेंगे तो वहाँ फ़ैन गर्म चल सकता है और जल्दी ही ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जब 14 mm तक हम 36 नंबर को यूज़ कर सकते हैं और 14 mm के बाद 15, 16, 17, 18 mm तक हम 35 नंबर वायर यूज़ कर सकते करेंगे। तो देखिए यहाँ 35 नंबर वायर से मैंने दोनों सर्किट इसके कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले इसका नीचे वाला सर्किट बनाया जाता है, यानी स्टार्टिंग वाला, और इसमें नीचे भी 14 ही कॉइल है और ऊपर भी 14 ही कॉइल है। तो इसमें सबसे पहले हमें नीचे वाला सर्किट बनाना होता है जो कि स्टार्टिंग का होता है। तो वहाँ पर हमने इसमें 350 टन इसमें डाले गए हैं, जबकि जब मैंने इसको ओपन किया था यानी इसकी जो कॉइल निकाली थी और उसको काउंट किया था तो वहाँ पर इसमें 345 इसकी ओरिजिनल टन थी और 35 ही नंबर इसमें वायर था। तो यहाँ पर मैंने 5 टन इसकी बढ़ाकर इसमें 350 टन डाल दी हैं, जिससे कि थोड़ा ये और हैवी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसकी ये दो लूपें निकली हैं, सबसे पहले ये वाली लूप है, यहाँ से हमने रिवाइंड करना स्टार्ट किया था और ये पहली वाली लूप यहाँ पर हमने छोड़ दी। उसके बाद जब फ़ैन पूरा कंप्लीट रिवाइंड हो जाता है, यानी इसकी पूरा सर्किट नीचे वाला कंप्लीट हो जाता है, तो ये दूसरी वाली लूप इसकी यहाँ पर निकलती है। तो दोनों कॉइल में एक दूसरे के पास में ये दोनों लूपें आ जाती हैं, बीच में इनके एक जगह होती है, वहाँ पर हमें एक पेपर लगाना होता है। अब देखिए जैसे ये वाली हमने ऊपर वाली कॉइल को यहाँ से शुरू किया और ये होते हुए यहाँ से होते हुए ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये आई है और ये लास्ट वाली लूप इसकी ये निकली है ये वाली। तो ठीक इसी तरह से अंदर वाली लूप भी दो ही निकली हैं, तो ये दो लूपें यहाँ बाहर निकल कर आई हैं और दो लूप इसकी अंदर निकली हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसके जो ये कनेक्शन है वो तीन तारों में भी कैसे करते हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके तीन तारों में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। यानी यहाँ पर भी देखिए मैंने तीन तार के ही कनेक्शन बनाए हैं, जिसमें एक वायर मैंने यहाँ पर कॉमन बनाया है और दो वायर इसके अलग अलग रनिंग के और स्टार्टिंग के निकाले हैं। तो हमें जो बाहर कॉमन बनाना पड़ता है वो मैंने इसको अंदर ही निकाल दिया है, और अंदर कॉमन कैसे बनाते हैं जिससे कि इसके राउंड बिल्कुल सीधे आए यानी क्लॉक वाइज आए, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बता दूंगा कि इसके कनेक्शन तीन वायर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, जिसमें कि मैं आपको पूरा डिटेल से ये समझा दूंगा।
तो अब फिलहाल आगे बढ़ने हैं और इसको जो ये ऊपर वाला सर्किट है यहाँ पर मैंने इस वाले में मैंने डाली हैं 370 टन, और यहाँ दोनों कॉइल में मैंने 35 ही नंबर वायर यूज़ किया है। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसको इस बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो ये देखिए ये बॉडी है और मैं इसके अंदर अब इसको फिट कर लूँगा और उसके बाद ये दिखाऊँगा कि इसके राउंड कितने आए हैं। तो चलिए उठा लेते हैं इसकी बॉडी को और इसको फिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉडी में फिट करने से पहले मैंने इसके जो बैरिंग है वो ख़राब थे, उन बैरिंग को भी यहाँ पर ये बदल दिया गया, यानी दोनों ही बैरिंग इसके मैंने नए बदल दिए हैं जिससे कि अब ये बिल्कुल फ्री चलेगा। तो देखिए ये पुराने बैरिंग है इसके और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, अगर मैं इसमें ग्रीस भी भरता तो ये बहुत ही साए साए की आवाज़ करते जिससे कि फ़ैन भी गर्म चलता। तो मैंने कस्टमर से कह दिया था कि इसकी बैरिंग भी नए बदले जाएंगे और कस्टमर ने भी बैरिंग बदलने के लिए बोल दिया था, तो इसलिए मैंने इसके न्यू बैरिंग भी बदल दिए हैं। तो अब चलिए इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली बॉडी में मैंने इसको सबसे पहले डाल लिया है और इसको देखिए बिल्कुल ये फ्री घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए नीचे वाली बॉडी में भी इसको रख लेंगे। तो यहाँ इस तरह से रखने के बाद देखिए इसमें जो दो होल होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर, उनको इस तरह से एक लाइन में रख लेंगे और इसको नीचे की ओर दाब देंगे। तो अब देखिए नीचे की ओर दबने के बाद ये बिल्कुल, जब हम इसे नीचे की ओर दाबेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है। इसके बाद इसके जो बोल्ट वगैरह हैं उनको टाइट करेंगे और ये देख लेंगे कि ये बिल्कुल फ्री हो चुका है या नहीं। तो देखिए इसको घुमाकर भी देखेंगे ये फ्री हो चुका है या नहीं। तो देखिए अभी ये थोड़ा सा लग कर चल रहा है। अब यहाँ पर हम इसको हैमर से भी थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हैमर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हमें हैमर का भी यूज़ करना होता है। तो अब यहाँ पर देखिए अब ये थोड़ा फ्री हो चुका है और इसके बाद हम उठाएंगे ये कैपेसिटर होल्डर और या इसको कनेक्टर भी आप बोल सकते हैं, और इसको यहाँ जो इसकी शाफ्ट होती है उसमें एक छोटा सा होल होता है जहाँ पर हमें इसे इस तरह से लगाना होता है। तो देखिए यहाँ इस तरह से इसको अच्छे से लगाकर टाइट कर देंगे। तो देखिए ये अब यहाँ पर सेट हो चुका है, अब हम इसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 वायर के मैंने इसमें कनेक्शन किए हैं। अब ये इसका कैपेसिटर मैं चेक कर लेता हूँ तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर ये सही नहीं है। अब मैं इसकी जगह पर एक दूसरा कैपेसिटर लूँगा और उससे इसको चेक करूँगा। तो देखिए ये 3.15 का कैपेसिटर है, इसको मैं लगाऊंगा और यहाँ पर इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके 3 वायर कनेक्शन बनाए हैं, यहाँ जो ये ग्रीन वाला है इसको मैंने कॉमन बनाया है और ब्लैक वाला स्टार्टिंग बनाया है और जो ये रेड वाला वायर है ये रनिंग वाला बनाया है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसके कनेक्शन करेंगे, ये रेड वाला मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक पॉइंट पर कैपेसिटर के और उसके वो अच्छे से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए दूसरा जो वाला वायर है वो कैपेसिटर के दूसरे वाले पॉइंट पर लगाया जाएगा यहाँ पर। देखिए इस तरह से इससे कनेक्शन हो चुके हैं और ये ग्रीन वाला इसका कॉमन है। तो मैं सप्लाई का एक वायर इस ग्रीन वाले वायर पर लगाऊंगा जो कि कॉमन का है, और दूसरा वाला जो वायर है वो लगाऊंगा रेड वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको चेक किया है तो ये बिल्कुल सीधे राउंड में घूमना शुरू हो चुका है, यानी इसके जो तीनों वायर के कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हैं। अब चलिए इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेते हैं और इसका जो प्लग है वो अपने बोर्ड में लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे और सुपर स्पीड के साथ ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन जो कि SEC कंपनी का है उसको रिवाइंड करने के लिए कौन सी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा डाली जाती है ये हमने जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको ऑटोमेटिक इसका पता चल जाएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।